लक्ष्मी कहिए सासु माँ, तेरा चेहरा उदास क्यों है? मैं काफी देर से देख रही हूँ, कभी इधर झांकती है कभी उधर झांकती है, आज किस चिंता में डूबी हुई है बेटी? हे सासु माँ, हाँ आप अच्छी तरह से जानती हो कि आज आपके बेटे अभी तक स्कूल से नहीं आए हैं। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे पति के साथ कुछ गलत ना होया हो। बेटी लक्ष्मी, मदरसे से आना और जाना कहीं बैठ गया होगा अपने यार दोस्तों के साथ में, कहीं अपनी पढ़ाई की या कहीं खेल कूद में लग गया होगा, इतनी चिंता करना तेरे सेहत के लिए हानिकारक है लाडो। सासू माँ, हाँ जैसा आज मुझे लग रहा है, जैसी बेचैनी मुझे हो रही है, आज से पहले ऐसी बेचैनी नहीं हुई सासू माँ। क्या ऐसे दिल कभी नहीं घबराया? बेटी तेरे मुख से ये शब्द तुझे शोभा नहीं देते, क्योंकि वो मेरा भी तो बेटा है। हेलो, मैं उसे जानती हूँ, मेरे अपने खून से सींचा है उस लाडले को, इतनी चिंता मुझे होनी चाहिए, तो बेटी तू फिक्र क्यों कर रही है? मुझे डर है सासू माँ। अच्छा मेरी बात सुन ले बेटी। कहिए सासू माँ। के तो वे बहू वो तेरा काल हमें आवेगा कारी के तो बे बहू मुकाया हो बे बहू मते रो बे बहू तेरा जो दुख बीत्या मने ऐसा दुख सहा नहीं। तू आने की बात करे वो आने को गया है। तू आने की बात करे वो आने को गया नहीं। रमन के मेलियो कहीं गेल में बैठा होगा एक उम्र और एक सबक के भजन तूल में बैठा होगा, उसका वक्त मंदर से कहां कहीं मेल जोल में बैठा होगा, उसका वक्त मंदर से कहां कहीं मेल जोल में बैठा होगा। मन मारे बहू होगा पहाड़ बहू कुछ प्यार बहू घने लाड लड़ावेगा रे 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 रे। बातें करती हो सासू माँ? संजय भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे किस्मत में मेरे पति के लाड नहीं लिखे हैं। बेटी तू कैसी अनहोनी सी बात कर रही है, और तेरे चेहरे की उदासी बिल्कुल मेरे दिल पे मुझे रास नहीं आती है। कभी तू हंसती खेलती मेरे आंगन में एक गुड़िया की तरह रहती थी, लेकिन आज तेरी आंखों में भी नीर
और तेरी बोली में भी ये दर्द महसूस जो मैं कर रही हूँ लाडो। सासू माँ, आप जानती हो कि जो मेरे पति के सात बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो सब अपने घर वापस आ चुके हैं। मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए। मेरा दिल घबरा रहा है सासू माँ, मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। नहीं लाडो, ये तेरे ख्याल बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अब हमारा हकीकत छोटा नहीं है, कहीं जो खो जाएगा। अब हमारा बेटा हकीकत जवान हो गया है, सारे रास्ते जानता है घर के, और किसी से वो झगड़ा तकरार करने वाला भी नहीं है। लेकिन इस मन को कैसे समझाऊं सासू माँ? लेकिन बेटी, मेरा दिल गवाही देता है, एक मेरा हकीकत सही सलामत घर लौटेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए सासू माँ, सब घर में आगे इसमें है कोई गहरी चाल, चूड़ी चटकी मोती टूटे मैं होगी रांडा की डाल, चूड़ी चटकी मोती टूटे मैं होगी रांडा की डाल। ऐसे बोल मत ना बोले, ऐसे बोल मत ना बोले, मेरे काले जेम लागे तीर, हाथ पैर मुखड़ा धोवे, थोड़ा गरम चढ़ा दे नीर, वार के पानी पीऊं जब बैठोगे मरद वीर, वार वार के पानी पीऊं जब बैठोगे मरद वीर। हंस खेल बहू मिले मेल बहू चले बेल बहू, हमारा राम पसी जाता है, क्योंकि मैं भी उस बच्चे की माँ हूँ। तू समझती होगी कि एक तू ही दुखी है, तेरी सूरत को देख करके मुझे भी रोना आता है। लेकिन मुझे उस ऊपर वाले पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है लाडो, तेरे मुख से मेरे सामने इस प्रकार से रोना धोना अच्छा नहीं लगता लाडो। मेरी बात सुनिए सासू माँ, भूखा जब से घर से निकला उसी घड़ी ते लगी रोन, के तन पे बीती होगी पता पति कल्यावे कौन, के तन पे बीती होगी पता पति कल्यावे कौन। राम बिठा बस सिंहासन पे, राम बिठा बस सिंहासन
तारण आड़ा कौन जो फूलों की रहे सेज पे उसे डालनाड़ा कौन जिसका बैर सपने में ना उसको मारने आड़ा कौन जिसका बैर सपने में ना उसको मारने आड़ा कौन कर रंगे बहू हमें सबने नवाबे का ओ हो री ओ गंगा जी स्नान की बात करती हो सासू माँ। हाँ बेटी। मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे पति के साथ मेरा गंगा स्नान लिखा हो। बेटी आप अच्छी तरह जानते हो कि इस दुनिया में मेरे पति के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे पिता और मेरे भाई मुझे पहले ही छोड़कर चले गए। अब डर लगता है कि कहीं मेरे पति को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनके बिना मैं दुनिया में जीवित नहीं रह सकती। बेटी लक्ष्मी धैर्य कर और सब्र से काम ले, क्योंकि तेरा पति मेरा बेटा कुछ ही घड़ी तो घड़ी में आता ही होगा, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। वो माँ होकर के अपने बच्चे की राह निहार रही हूँ। एक मेरा बेटा वाकई उस परमात्मा की कृपा से सही सलामत उस मदरसे से या किसी मौलवी से कुछ पढ़ने की टिप्स याद करने के लिए लेकर के आ रहा होगा। बेटी इतनी बड़ी बेचैन ना हो। मैं भी यही दुआ करती हूँ भगवान से कि मेरे पति सही सलामत हो, लेकिन ये मन नहीं मानता सासू माँ। लेकिन बेटी सुनिए मेरी, जब तू ऐसी बात करेगी तो मेरा भी दिल कच्चा है, रोने को करेगा, क्योंकि मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगी। लाडो क्या करूँ सासू, इस जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं और अभी शरीर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो और दुखों का सामना कर सकूं। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। अभी घर न आवे बा
इस घर के कलेश ने हकीकत मिटावे बहू, इस घर के कलेश ने हकीकत मिटावे बहू। मत बिला के बहू करे दिला के बहू, बड़ी मिला के बहू यजे पीरू।